सिटी पोस्ट में आपके साथ में मैं हूं नामिका। बात आशीर्वाद यात्रा की, जी हां, चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा की। जिले के गुनावा स्थित कार्यालय में लोजपा के नेता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना की देखरेख में बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए मनोज कुमार ने कहा कि धीरेन्द्र मुन्ना जिस पार्टी में रहेंगे, जहां रहेंगे, उनके साथ हम नवादा के तमाम लोग इनका सपोर्ट करेंगे। जी हां, मैं कल इस बैठक की बात कर रही हूं जिसको कल आयोजित किया गया था। सभा को संबोधित करते हुए धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने कहा कि नवादा में पूरे बिहार में सबसे ऐतिहासिक आशीर्वाद यात्रा में चिराग पासवान को आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि 9 महीने भी नहीं हुए कि चाचा ने खंजर भोंका। हम लोग नौजवान फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी के साथ पूरी तरीके से एकजुट होकर के चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करेंगे। नवादा में बड़े पैमाने पर यह बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें तमाम लोग उपस्थित थे और लोगों ने ये डिसाइड किया कि चिराग के आगमन को लेकर के जगह जगह तैयारी जो है वो शुरू कर दी जाए। हर जगह पर उन्हें आशीर्वाद यात्रा में जोरदार आशीर्वाद मिलेगा। पूरे बिहार में सबसे बड़ी यात्रा नवादा में ही देखने को मिलेगी। बैठक में तमाम लोगों ने कहा कि नौजवानों और बेरोजगारों के लिए चिराग पासवान लगातार जो है वो आवाज उठाए हैं। हम लोग चिराग पासवान के साथ हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं और उनका उत्तराधिकारी चिराग पासवान भी उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। तो देखिए, नवादा में चिराग पासवान को कितना आशीर्वाद मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल स्कूल में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।